नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं प्राइमरी की कैसे ऑल्टर कर सकते हैं, उसमें हम ऐड कर सकते हैं एक टेबल में या फिर उसे ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं टेबल, और इसमें हम पहले आपको बता देते हैं कि ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है। ओके, तो मैं कि मेरी टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, कॉलम है 1, 2, 3 एंड 6 कॉलम। ओके, 6 कॉलम है। तो अब हम इसे डिस्क्राइब करते हैं, देखते हैं कि इसमें कौन सी, इसमें प्राइमरी की है, कौन सी की है या नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस टेबल में कोई सा भी की यूज़ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर देख लो आप, एक भी की यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो प्राइमरी की होता क्या है कि प्राइमरी की हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होना ज़रूरी है, जिसे हमें हमारी टेबल की हर एक रो जो है, हर एक रो यूनिक आइडेंटिफाई हो सके। ओके, तो इस वजह से हमें उसे प्राइमरी की यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिक होनी चाहिए वो प्राइमरी की, हमेशा वो एक से इंक्रीमेंट होनी चाहिए, वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से इसे प्राइमरी की हम कहते हैं, और प्राइमरी की टेबल में रहना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम ऑल्टर करते हैं। ओके, ऑल्टर करते हैं टेबल को, कौन से टेबल को, एम्प्लॉय टेबल को। एंड उसमें क्या करेंगे, ऐड करना है मुझे, ऐड प्राइमरी की। अब देखो, ऐड प्राइमरी की जब हम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेम लिखेंगे वो किसके नेम लिखेंगे। यहाँ पे हम एक न्यू एट्रीब्यूट्स, हमें एक न्यू कॉलम जो होता है ना, एम्प्लॉय आईडी, या फिर यहाँ पे एक और कॉलम मुझे क्रिएट करना है, तो नहीं, वो नहीं करना है। यहाँ पर मैं किसी एक ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंट कॉलम है उसी एक में हम क्या करेंगे, उसे एक को चूज़ करके उसे प्राइमरी की यहाँ पर बनाएंगे। तो हमें बनाना है एम्प्लॉय आईडी को, हम प्राइमरी की बनाते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी एंड देन सॉरी प्राइमरी की EMP ID। यहाँ देख लो, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर दिया हूँ, इसे एम्प्लॉय नेम। ओके, तो अब देखो यहाँ पर ये क्या ओके कर रहा है, 0 रो अफेक्टेड। तो अब इसे क्या करते हैं, हम अब हम डिस्क्राइब करते हैं फिर से इसी टेबल को, हम देखते हैं। तो यहाँ देखो, एम्प्लॉय आईडी जो है वो हमारी यहाँ पर प्राइमरी की हो चुकी है। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है की में प्राइमरी PRI। ओके, तो ये होता है हमें किसी भी टेबल में ऐड करना किसी एक एट्रीब्यूट को या एक कॉलम को प्राइमरी की डिक्लेयर करना। ओके, अब हमें क्या करना है कि हमें ड्रॉप करना है इसी प्राइमरी की को, अगर हम चाहते हैं ड्रॉप करने को, तो हम कैसे ड्रॉप करेंगे। तो इसके ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप, ओके, ड्रॉप में अब बस हम यहाँ क्या करेंगे, प्राइमरी की लिख देंगे, खत्म, दैट्स इट। अब हमने करा ये, अब ये क्या होगा, डिस्क्राइब करते हैं टेबल को। अब देखो, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी जो थी ये हमारी यहाँ पर प्राइमरी की नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी टेबल में, एक एग्जिस्टिंग टेबल में, हम प्राइमरी की किसी एक रो कॉलम को हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।